आपका क्या नाम है? बासिम अली। बासिम अली, बासिम आपके नाम का क्या मतलब है? नहीं पता। अच्छा, बासिम किस क्लास में पढ़ते हो? यूनिफॉर्म पहना हुआ आपने तो? थ्री क्लास में पढ़ते हो। स्कूल डेली जाते हो जी? आपको पढ़ना अच्छा लगता है? अच्छा, ये कार्ड पकड़ा हुआ है आपने हाथ में, ये क्या है? एड्स वाला कार्ड। आपको पता है एड्स क्या होती है? नहीं पता। तो फिर ये किसका कार्ड पकड़ा हुआ आपने? ये किसका कार्ड है? अपना। आपको एड्स है? आपको कैसे पता चला आपको एड्स है? यहाँ पे जब कैंप लगाता है, ये यहाँ से टेस्ट करा है। टेस्ट कैसे किया था उन्होंने आपका? यहाँ से खून निकाला। अच्छा, फिर वहाँ लाहौर ले गए थे, वो अपना शीशे के अंदर डाल के, फिर वहाँ लाहौर में रिपोर्ट किया। अच्छा, आपको पता है एड्स के बाद क्या होता है इंसान के साथ? नहीं पता। अच्छा, बड़े होकर क्या बनना है आपने? आर्मी में जाना है, पाकिस्तान के लिए सर्व करना है। अच्छा, कितने बहन भाई हैं? तीन। बहनें भी हैं? एक है। मामा पापा भी हैं? बाबा बहुत। आपने कभी डरना नहीं है? अच्छा, आपने हमेशा फाइट करनी है। अच्छा, और सबको हिम्मत देनी है। आप जैसे जितने बच्चे हैं जिनको एड्स है, आप सबने हिम्मत करनी है और आपने सबको हिम्मत देनी है। अच्छा, बाबा के बाद आप मामा का सहारा हो, ठीक है? डरना नहीं है कभी इस चीज़ से, ठीक है? बासिम अली जैसे ना जाने कितने और चिराग हैं जो ये फूल खिलने से पहले ही मुरझा रहे हैं। इन बागों को क्या होता जा रहा है? इनके गुंचे महकने से पहले क्यों मुरझाने की जानिब जा रहे हैं? ये बहुत सारे क्या और क्यों, इन क्या और क्यों का जवाब आज टीम पुकार ढूंढ के निकालेगी। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ पर घर के दो सजद यानी माँ बाप मियाँ भी दोनों ही एड्स में मुब्तला, और हालत ये है कि दोनों शायद अब चलने फिरने से भी काफ़ी। यहाँ पर हमारे साथ खातून मौजूद हैं जो इस मूजी मर्ज में मुब्तला हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी आमना। आमना, आमना कब से आपको एड्स? मैं थलिंदा दरिंदा नहीं। कब से है? कितनी देर हो गई है? साल एक हो। साल एक हो? जी हाँ जी। मंजी थे पे ना उठे बंदा बाहर। कितने बच्चे हैं आपके? ये दो में बच्ची है। ये बेटी आपकी? जी। ये तो छोटी सी है अभी। जी। कैसे हुई एड्स आपको? कैसे हुई? कोई पता ही नहीं। कहीं से कोई इंजेक्शन लगवाया था या कुछ, कोई खून लगवाया था? नहीं जी, कोई नहीं। क्या क्या दिखाऊं मैं तुम्हें ऐ हुक्मरान वक्त, इस एक प्रोग्राम में तो इस गांव के मकीनों के लिए ना बोल सकती हूँ ना ही सब कुछ दिखा सकती हूँ, बस तस्वीर के चंद रुख ही दिखा सकती हूँ। समझदार हो तो समझ जाओ, अल्लाह से डरो, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाओ, इनके दुख दर्द का सहारा बनो। ये सिर्फ एक अनार अली की बेटी ही नहीं भी आने वाली, इस गांव में कई अनार अली हैं जिनकी बेटियाँ अब हुक्मरान वक्त की राह तक रही हैं। अभी आपकी कैफियत कैसी है? चल फिर सकती हैं? नहीं चलिंदा, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो घर का गुजारा कैसे होता है? घर का गुजारा क्या, अल्लाह दे हाथ रखते बैठी हैं। अद्वियात दवाइयाँ वगैरह कैसे लेते हैं? जी हाँ, कुड़ी जिनकी मांग ले दिए थे वो। हाँ, कुड़ियाँ बहन में बाहर फेरे थे तो त्रिजे से तो मांग लेने थे और दिखा बन। अच्छा, मांग के गुजारा कर। जी क्यों, रिश्तेदार वगैरह नहीं है आपके? रिश्तेदार कोई रिश्तेदार था ही नहीं या अब नहीं है? जी हैं, सही रेंज है, कोई आमदे बंदे ने खैर बैठ भी नहीं लेंगे। अच्छा, छोड़ गए आपको? जी अच्छा, सिर्फ इसी वजह से? जी एड्स के बाद छोड़ के गए? जी ऐसे तो छोड़। अल्लाह पाक ने आपको सेहत तंदुरुस्ती जरूर देनी है, आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। अच्छा, इनके शौहर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी बात करूँगी क्योंकि वो शायद हमें सही तरह बता सकें कि कब से उन्हें इल्म हुआ इस मोहलक बीमारी का, इसका इलाज मुआलजा जो था कैसे मुमकिन हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको भी एड्स है? जी हां। कितने अर्से पहले पता चला? जी मेरे को डेढ़ दो साल हो गए। डेढ़ दो साल हो चुके हैं? जी हां।
फिर और जिया चुप करके बह गए जीदा लिंदा ना जुलिंदा। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? ए दीजिए दस दे। डॉक्टर ने खुराक का क्या बताया कि खाने में क्या खा सकते हैं? गोश्त खा दी। गोश्त किधर साढ़े कीरिया को किराया नहीं बुचिया था लफ्ज़ा से गोश्त किधर खा रहा है? किराए पे रहते हैं जी। ऐसे मिदारा दी जा मलका दे। अच्छा उन्होंने दी दी आपको रहने के लिए? जी हाँ। आपके पास सर छुपाने की जगह भी नहीं है? जी ना कोई नहीं। तो घर का गुजर बसर कैसे करते हैं आप? आ जी मांग फेर ले दी है। खा बात कौन मांगने जाता है? भड़ैया जी मेरी जी हाँ। तो काम क्यों नहीं कर सकते कोई जी? मैं चौथा नहीं और मंजी जी छिपाई छे क्या दिशा ही नहीं फिकर ले रहा जे भी। इस बीमारी की वजह से आपसे काम जी? इस बीमारी की वजह पहले क्या करते थे? पहले जी मैं ठीक ठाक अपने लोग के तो बिजारा कराना जी। अच्छा। कलर बोरा नाली के कटौनी बुत्ती कटनी मरने फरने से बाना। अच्छा जी हाँ। तो आपके अहलो याल रिश्तेदार आपके लोग सब जानने वाले कोई आता जाता नहीं है आपका ख्याल करने? जी कोई नहीं कर दे होना भूखे हो गए बकरवानी ना देनी ना पाया जावे तो छाड़ गए इसलिए छोड़ गए। जी हाँ। आपकी तो बड़ी बेटी भी माशाल्लाह जवान है उसकी शादी वादी कहीं की आपने? जी कोई नहीं गुजर जी चढ़ने जो माशी खुदा की कसम 100 रुपये की बंदे देता तो दाल छाड़ी बैठ। जी हाँ। तो सोचा भी नहीं बेटी की शादी का? जी मैं सोचा कि मेरे को शायद कोई होवे तो सोचते हैं वैसे माँ बाप की तो ख्वाहिश होती है ना? जी बड़ी होती है जी। आपकी क्या ख्वाहिश है कि आपकी बेटी की शादी कैसे हो? जी हाँ ये शादी जी शादी की रही है। हसरत तो होती है ना? हसरत तो बताए अपनी हसरत क्या है कैसे करना चाहते हैं अपनी बेटी की शादी? बाजी चंगी हो जावे बेटी है तो मोड़ को फांडा टिंडर मंजी तिरंगा तो जी देने ही नहीं। शादी मांग ले उनकी? जी हाँ मांग ले उनकी। हाँ कुड़ी ये बेटी आपकी जो? जी हाँ त्रीजा हिस्सा लेंगे जो कितना त्रीजे से सावन आया 120 आ गए। कभी कभी किसी रिश्तेदार से या इधर उधर आपने अपने बेटी के रिश्ते के लिए बात हुई किसी ने रिश्ता मांगा कभी? जी कोई नहीं मांगा जी ना। नाज़रीन अफसोस तो ये कि माँ बाप की आंखों में जवान बेटी को लेके हसरत कि उसका ब्याह कर दिया जाए उसे सुर्ख जोड़े में पिया देश सुधार दिया जाए उसके तमाम नाज नखरे उठाए जाए लेकिन असल हकीकत ये कि वो बेटी सर पे दुपट्टा करके सड़कों पर माँ बाप की इस मोहलक मर्ज की वजह से मांगने पे मजबूर। जी हाँ। जिंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है और रिश्तेदार वो जो शायद अब इनको अपना नहीं समझते। हमारे यहाँ अलमिया तो ये है कि इंसान चांद पर पहुंच गया है लेकिन इंसान इंसानियत तक नहीं पहुंच सका और शायद उसकी जिंदा मिसाल इस कोट अमराना के गांव में मौजूद है जहाँ पे हर घर में किसी ना किसी का कोई रिश्तेदार तो है लेकिन उनको जानता कोई नहीं उनको पहचानता कोई नहीं उनसे मिलता कोई नहीं। जवान बच्चियाँ बयाने वाली घरों पर बैठती हैं कोई इस डर से रिश्ता नहीं करता कि कहीं एड्स ना हो जाए। किसी एक घर में कोई एक इंसान एड्स में मुबतला हो तो दूर दराज गाँव में भी पता चले कि कोट अमराना से रिश्ता है तो लोग ये कह के इनकार कर देते हैं कि शायद बाकी लोग भी एड्स में मुबतला होंगे कंफर्म किए बगैर क्या बाकी लोग मरीज हैं भी सही या नहीं बाकियों पे लेबल लगा दिया जाता है और यही वजह है कि जवान बच्चियां घर में बैठ के सरों में चांदी लिए बैठी हैं। बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं रिश्तेदार अपनाइयत नहीं देते सिर्फ वो राह तख्ती मनोमट्टी है जो इनको अपनी जानिब खींच रही है। क्या होगा इनका यही आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा ही हो जो हो इनके भले के लिए हो शायद हम इनको मुसीबत से बाहर निकालने का कोई वसीला बन जाए हमारी कोशिश होगी।